महाराष्ट्र झारखंड चुनावों के बीच जो एक चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा थी कि आखिर वहां कौन जीत रहा और कौन हार रहा। हालांकि उस सीट को लेके एक प्रेडिक्शन ऑलरेडी लोग जता चुके थे कि वहां से कांग्रेस प्रत्याशी ही जीतेंगी, यानी कि वो सीट थी वायनाड। वायनाड में उपचुनाव हो रहे थे और आज 20 तारीख को वोट डाले गए थे और आज 23 तारीख को वोटों की गिनती हुई और एक अनुमान लगाया जा रहा था कि वायनाड चूंकि सुरक्षित सीट है कांग्रेस की, वहां से प्रियंका गांधी जीत के आएंगी। लेकिन सवाल है कि कितने वोटों से जीत के आएंगे? क्या राहुल गांधी जो लाखों वोटों का जो रिकॉर्ड बना चुके थे उससे ज्यादा वोटों से जीत के आएंगी या उससे कम वोट पड़ेंगे? तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राहुल गांधी से कितने ज्यादा वोटों से वो जीत मार्जिन में हासिल किए हैं, उनकी जीत का मार्जिन क्या है। चूंकि प्रियंका गांधी वायनाड से उपचुनाव में उतरी थी क्योंकि राहुल गांधी ने ये सीट छोड़ दी थी और उन्होंने रायबरेली की सीट को चुना था। दो लोकसभा सीटों से वो चुनावी मैदान में थे 2024 के लोकसभा चुनाव में, एक रायबरेली सीट और दूसरी वायनाड। इससे पहले 2019 में वो अमेठी और वायनाड से चुनावी मैदान में थे। चूंकि अमेठी हार गए थे, वहां से स्मृति ईरानी जीती थी, तब वो वायनाड शिफ्ट हो गए थे और माना जा रहा था कि अब वो दक्षिण से ही राजनीति करेंगे। लेकिन फिर से उनकी माता सोनिया गांधी ने ये लोकसभा की सीट छोड़कर वो राजस्थान से राज्यसभा पहुंच गई। उसके बाद से ये था कि अब उस सीट पे कौन उम्मीदवार होगा, तो उस सीट पे एक सुरक्षित सीट रायबरेली सीट मानी जाती है, वहां से राहुल गांधी लड़े और वायनाड दोनों सीटों से लड़े। तो एक माना जा रहा था कि अगर ये दोनों सीटों से जीतेंगे तो एक सीट वायनाड की सीट खाली करेंगे। तो इसी तरह उन्होंने रायबरेली को चुना जो उनकी पारंपरिक सीट थी, उनके पिता वहां से चुनावी मैदान में थे, उनकी दादी चुनावी मैदान में रायबरेली से जीत चुकी हैं, उनकी माँ वहां से रहीं। अब ये तीसरी चौथी पीढ़ी के राहुल गांधी अब ये नेतृत्व करेंगे उस रायबरेली सीट की। लेकिन वायनाड उन्होंने छोड़ दी। वायनाड के लिए अब हुआ कि उपचुनाव में कौन होगा, तो प्रियंका गांधी को उपचुनाव मैदान में कांग्रेस ने उतारा और संसद यानी कि राजनीतिक सक्रिय राजनीति में तो पहले से आ गई, लेकिन अब ये पॉलिटिकल राजनीति यानी कि संसदीय राजनीति में पहली बार प्रियंका गांधी की एंट्री होंगी और दोनों भाई बहन संसद में पहली बार एक साथ बैठेंगे। लेकिन जो अभी आंकड़े हैं वो आंकड़े हैं जिसमें से प्रियंका गांधी 6,17,942 वोट पाई हैं, वहीं इनके पीछे जो दूसरे स्थान पर हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सत्यान मुकेरी वो मात्र 2,00,000 वोट ही पा पाए हैं। तीसरे पर भारतीय जनता पार्टी की नव्या हरिदास हैं जो 1,00,000 के आसपास वोट पाई हैं। यानी कि प्रियंका गांधी के पीछे कोई नहीं है। प्रियंका गांधी 4,08,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से आगे हैं, यानी कि वो राहुल गांधी का एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राहुल गांधी का जो रिकॉर्ड था उनको 3,00,000 के आसपास समथिंग था, उसको रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और प्रियंका गांधी बड़े मार्जिन और बड़े वोटों के अंतर के साथ वो लोकसभा पहुंचेंगी। 24-25 नवंबर से लोकसभा चलने वाली है और लोकसभा का जो शीतकालीन सत्र होगा ये बड़ा खास अपने आप में होगा, क्योंकि पहली बार होगा जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों भाई बहन एक साथ संसद में मौजूद होंगे और पार्टी के लिए अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन कई इसमें सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रियंका गांधी के आने से किसी कांग्रेस के नेता की जो पावर है शक्ति कम होगी? तो उसमें से सबसे बड़ा अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि जो राहुल गांधी के सबसे करीबी वेणुगोपाल हैं जो केरल से आते हैं, जहां से प्रियंका गांधी खुद केरल के वायनाड सीट से चुनाव जीत के आई हैं, उनकी पावर थोड़ा कम हो सकती है, उनकी शक्ति कम हो सकती है कि कोई भी नेता किसी राहुल गांधी तक पहुंचने या गांधी परिवार तक पहुंचने के लिए जो केसी वेणुगोपाल का सहारा लेता था वो सीधे प्रियंका गांधी का सहारा लेगा। तो हो सकता है कि केसी वेणुगोपाल की पावर में थोड़ी कटौती हो और प्रियंका गांधी एक उभर के सामने आए। एक सवाल उठाया और भी जा रहा है कि क्या कांग्रेस में प्रियंका गांधी के आने से संसद पहुंचने से कांग्रेस में दो पावर सेंटर हो जाएंगे, एक प्रियंका गांधी का एक राहुल गांधी का? तो ये कई सवाल उठ रहे हैं। तो इसमें जानकारों का यही मानना है कि दो पावर सेंटर नहीं होंगे, चूंकि हाँ ये जरूर होगा कि हालांकि दोनों के लोग अपने अलग अलग हैं लेकिन जो राजनीतिक फैसले होते हैं वो राहुल गांधी ही करते हैं और जो क्राइसिस मैनेजमेंट का फैसला होता है वो प्रियंका गांधी करती हैं। और ये माना जाता है कि राहुल गांधी के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट प्रियंका गांधी करती हैं, चाहे किसी भी स्टेट में क्राइसिस मैनेजमेंट हो, चाहे वो राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को मामला सुलझाना हो, या आपके टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ में मामला सुलझाना हो, या सिद्धारमैया और डीके श्रीकुमार का कर्नाटक में मामला सुलझाना हो, या सुक्कू सरकार का मामला सुलझाना हो हिमाचल में, क्राइसिस मैनेजमेंट का काम वही करती हैं। तो यानी कि वायनाड से जब चुनाव जीत के आई हैं तो ये मार्जिन राहुल गांधी से अपने भाई से ज़्यादा मार्जिन के वोटों से जीत के आ रही हैं और संसद में आएंगी और देखना होगा कि संसद में दोनों भाई बहन जब आपस में बैठते हैं तो किस तरह से बीजेपी पे वार करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकतंत्र।